फोन यूज करते हो या स्मार्टफोन यूज करते हो और आपको एक प्रॉब्लम बार बार आ रही कि आपका फोन हैंग हो रहा है, जैसे भी आप कोई फाइल खोलते हो तो आपकी वो फाइल ओपन बहुत देर से होती है, तो आपके लिए मैं ऐसी एक ट्रिक लेकर आया जिससे आपका फोन कभी भी लाइफ में कभी भी हैंग नहीं हो सकता है। इस ट्रिक को जानने के लिए गाइस आपको लास्ट तक मेरी वीडियो देखना तो रुकना पड़ेगा, प्लीज गाइस आपको यहीं पर 2 मिनट या 3 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। तो मैं जो ट्रिक्स लेकर आया हूं आपको कोई हो यूट्यूबर नहीं बता सकता है, ओनली मैं ये लेकर आया हूं कि मैं खुद यूज करता हूं और मेरा फोन आज तक कभी भी हैंग नहीं हुआ है। तो प्लीज गाइस इस ट्रिक को जानने के लिए आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा लास्ट तक और आपको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप इस ट्रिक को जान जाते हो, मैं कुछ फोन पर इसको नोट डाउन किया तो मैं सोचा आपको भी बता दूं कि इतनी बातें नहीं याद रहती, तो मैंने लग से नोट डाउन किया हुआ है। तो मैं लिखा हुआ स्मार्टफोन होता है अगर आपका बार बार हैंग तो आप इसको 2 सेकंड में या 2 मिनट में इसको ठीक कर सकते हैं। तो हम इसके थोड़े से फीचर जाना था कि ये मतलब क्यों होता है हैंग फोन। आपने ओवरलोड जैसी वीडियो को लोड आपके स्टोरेज के, अगर आपकी स्टोरेज 64 GB है तो आपने 60% या 19% को यूज कर चुके हो तो भी आपका फोन हैंग होता है, और दूसरा आप फोन को क्लीन नहीं करते हो तो भी आपका फोन हैंग होता है, और थर्ड है आप फोन को अपडेट नहीं करते। तो गाइस जी खास फीचर है, जब भी फोन अपडेट आए या सिक्योरिटी फीचर जैसे कुछ भी अपडेट है तो आप सबसे पहले फोन को अपडेट करें। अगर आप अपडेट कैसे करते वो जान जाते तो आप सेटिंग में जाए, अबाउट फोन में जाए, तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एक सिस्टम अपडेट, आप वहां पर क्लिक करें और लास्ट में आपको चेकआउट देखने को मिलेगा और आप वहां पर इसको चेक कर सकते हैं। जो भी अपडेट आए जितनी मर्जी MB का है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। अगर आप जो रेगुलर इसको अपडेट करें फोन को और अपनी मतलब की जो फाइल्स होती हैं अदर्स फाइल्स उसको डिलीट करें और बार बार मतलब की इसको क्लीन कर दे तो आपका फोन हैंग नहीं होता। तो आपके लिए जो फीचर्स मैं मतलब की लेकर आया हूँ लिखे हैं, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। आपको फाइल्स को क्लीन करना है, आपको जैसे ही आप फोन सुबह ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर है ये फोन को क्लीन करना। आपको मतलब की सिक्योरिटी होती है, जो MI के फोन होते हैं उसमें सिक्योरिटी होती है, आपको वहां पर अलग अलग मतलब की 3-4 ऑप्शन होते हैं, आप उसको यूज करके उसको क्लीन कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, जिससे आपका फोन रनिंग में अच्छा मतलब की यूज हो सके। जैसे आप एक फाइल ओपन करते हो उसको जैसे ही आप स्क्रोल को नीचे करते हो आप नेक्स्ट फाइल एक चुटकी से खोल सकते हो, आपको ऐसा इसको करना चाहिए। तो नेक्स्ट है फोन को रीसेट करना। तो आपको बता दूं कि हर एक यूजर को, जैसे कि ऑलमोस्ट बात कर ले तो आप हर एक यूजर हो के पास 1 या 2 फोन होते हैं, तो जैसे आप हर एक फोन में मतलब कि क्लीनर तो होता है, अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर एक अच्छा रेटिंग वाला इसको डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको डिलीट मतलब कि क्लीन कर सकते हो फोन। तो आपके जो मतलब की स्मार्टफोन यूज करते हैं तो कुछ समय बाद बेहतर परफॉर्मेंस आपको एक बार हफ्ते में एक बार इसको रीसेट फोन करना है, हफ्ते ला लो या 1 मंथ ला लो, 6 मंथ ला लो या 5 मंथ ला लो, आपको एक बार रीसेट फोन करना, जिससे आपका फोन रीसेट से जो अदर्स फाइल होती है वो डिलीट हो जाएगी, जिससे आपका फोन बेहतर मतलब की अच्छा वर्क करेगा और आपको हैंग की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट है अपडेट, मैंने कहा था ना पहले से कि अपडेट फोन करना है। अगर आपका स्मार्टफोन है जैसा मैं फोन यूज कर रहा हूं और मेरी फाइल एक नहीं ओपन हो रही तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डाउन करना है बिल्कुल आराम से, अगर ज्यादा टाइम रहे तो उसको साइड में रख दो, जब तक ये डाउन हो तो आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाकर अबाउट फोन में जाकर इसको अपडेट करना है। जैसे इसको अपडेट करेंगे तो आपका जो फोन स्लो चल रहा है वो अच्छे से वर्किंग करेगा और वो फास्ट हो जाएगा, जिससे आपके जो फाइल्स ओपन नहीं हो रही, जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हो उसको डाउन किया, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, फेसबुक डाउन किया, आपने फेसबुक खोल ली, तो आपके जो अपडेट के बाद फास्ट रनिंग करेगा, इससे बेहतरीन
स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस मैंने जो आपको जो 3 टिप्स दी हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन की जो अदर समर की फाइल्स होती हैं आपको इसको डिलीट करना है। आपको मैं एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूं, जिससे मेरा फोन आज तक हैंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एमआई के में जो एमआई खुद प्रोवाइड करता है कि ये सॉफ्टवेयर यूज कर, पर मैंने प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जिससे मैं उसको फाइल्स की अदर्स होती हैं जो एमआई के सेटिंग में होती है वो डिलीट नहीं होती, और आप उसको प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके उसको डिलीट कर सकते हैं। वो आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट वीडियो की वो कौन सा ऐप है, अगर वो जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए वो भी वीडियो लेकर आऊंगा और मैं खुद यूज करके बताऊंगी कैसा वो वर्किंग करता है। और पहले तो आपने जो फाइल को डिलीट करना है, ठीक है, अदर्स को, और जो सेकंड है आपको एक बार मंथली, 5 मंथली या 6 मंथली या आपको 3 या 2 मंथ में एक बार आपको फोन को रीसेट करना है, मतलब कि रीसेट करके इससे आपका फोन जो प्रॉब्लम होती है कि आपका फोन बार बार हैंग होता है, जितनी बार आप इसको फाइल को ओपन करते हैं तो आप उसको रिमूव, मतलब कि जो प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो और आपका अच्छा वर्किंग करेगा। वो थर्ड है अपडेट करना, आपको फोन को जब भी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट दे आपको उस टाइम ही इसको अपडेट करना, जिससे आपकी जो बिग प्रॉब्लम है आपका फोन हैंग होने से बचेगा, आपका फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे आपका फोन जो हैंग से आपका स्लो हो गया उससे स्पीड इंक्रीज होगी। तो गाइस इस टिप्स को याद करना, और मैं जो ऐप बताया है अगर वो जानना चाहते हो कि कौन सा ऐप है तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उस पर आपको एक मतलब अच्छे से बताऊंगी कौन सा ऐप को कैसे यूज करना है। तो गाइस वो देखने के लिए मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको और टिप्स चाहिए हैंग ना हो या कुछ एनी मतलब कि फ्री में वाईफाई कैसे यूज करें ऐसे नेट कैसे चलाएं, तो वो टिप्स जानने के लिए आपको जहां पर मैं इंस्टाग्राम चैनल का के फॉलो देखने को वहां पर फॉलो करें, और जहां पर आपको मतलब कि यूट्यूब का लोगो देखने को आपको वहां पर सब्सक्राइब करना मिलेगा। तो गाइस ऐसी टिप्स जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, मेरी तरफ से आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में।